भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय पूर्व विधानसभा क्षेत्र में रत्नेश सोनखर के निवास पर पहुंचे। उन्होंने वार्ड में चल रही लाडली बहना योजना के फॉर्म भरने की जानकारी ली और साथ ही बहनों को बताया कि वे किस तरह से योजना का लाभ ले सकती हैं। कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार जनहितैषी है और लगातार जनता के विषय में सोचती है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हम सबके प्रेरणा स्रोत श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का आज हमारे निवास स्थान पर आगमन हुआ और उनके आगमन पर हमारे क्षेत्र के सभी पूर्व विधानसभा के जो कार्यकर्ता हैं सभी में एक खुशहाली का वातावरण, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेतृत्व जब आता है कार्यकर्ताओं के बीच में तो निश्चित तौर पर उनका मनोबल बढ़ता है। तो आज उन्होंने आकर यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकर चाय पी, चर्चा करी और आगामी संगठनात्मक जो कार्य अभी बूथ सशक्तिकरण पर जो चल रहे हैं उस संबंध में ही उन्होंने चर्चा करी और साथ ही साथ यहाँ पर लाडली बहना योजना का जो शिविर लगातार पिछले कई दिनों से यहाँ पर चल रहा है, जो निरंतर यहाँ पर नगर निगम के कर्मचारी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर हमारी बहनों का फॉर्म को भरवाने से लेकर EKYC से लेकर बैंक से DRD कराने के साथ साथ फार्मों को रजिस्ट्रेशन कराने का काम यहाँ पर चल रहा, तो उन्होंने उस काम को भी जाकर यहाँ पर देखा और सभी को साधुवाद दिया और हमारी बहनों के बीच में जाकर भी उन्होंने उनसे बहनों से चर्चा करी और सबको उन्होंने आगामी इस योजनाओं के लाभ के बारे में उनको बताया। जबलपुर से आशीष बात्री की रिपोर्ट।